हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज है 16 दिसंबर 2017 और हम हिंदू के एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इलेवेंथ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ अर्जेंटीना में WTO का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर की गई हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल ट्यूबरक्यूलोसिस TB से रिलेटेड है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये सेंटर का आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा करता है, डिटेल से बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल वैसे तो NPA से रिलेटेड है लेकिन बात करता है कॉरपोरेट और बैंकिंग सिस्टम के नेक्सस की, जिससे नुकसान हुआ है बैंकिंग सिस्टम को। तो मैंने ट्राई किया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, लेकिन ऐसे पॉइंट्स थे नहीं जो हमारे आंसर्स में काम आ सकें, तो इस आर्टिकल को हम एलिमिनेट करते हैं। आज सैटरडे है, इस पेज पर ग्राउंड जीरो है, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो अभी हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। 2013 की जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया था केस स्टडी में, हम आज उसे देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं उसे भी देखेंगे, और साथ ही जो हमारा इंटरव्यू का सेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यह है इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन। आप हमें पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहां आप एक कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं, वो आपके कोर्स को कंप्लीट करवाते हैं कोर्स डायरी के जरिए, डाउट्स को पर्सनली क्लियर किया जाता है, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए आप क्वेश्चंस को रूम से लिखकर लाते हैं, जबकि स्पीड मैनेजमेंट के लिए आप आंसर्स को अपने कोच के सामने ऑन स्क्रीन टाइमर पे लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक डायरी का सहारा लिया जाता है जिसे आपको डेली बेसिस पे फिल करना होता है, और कोच उसे रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम में इंक्लूड है। इसके अलावा ओरल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट का भी प्रावधान है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यह है कोच डायरी जिस पर आपको काम करना होता है, एंड दिस इज टाइम मैनेजमेंट डायरी जिसको आपको रेगुलरली फिल करना होगा। बाकी फर्दर डिटेल्स चाहिए तो नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए। इफ़ यू कैन अफोर्ड यू मस्ट ज्वाइन दैट प्रोग्राम, इफ़ यू कैन नॉट नीड नॉट टू वरी, थोड़ा सा अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए, काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग के लिए जो आज एक कोटेशन हमने चुना है वो है सी राजगोपालाचारी जी का। सी राजा जी फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में, उसके बारे में हम मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में प्रिलिम्स मैसर सीरीज में बात करेंगे भी। अभी जो कोटेशन है वो ये है, ऑल द ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेड विदाउट गुड इक्विपमेंट एंड अंडर ग्रेट डिफिकल्टीज विद नोबडी टू एनकरेज। देखिए, जब भी कोई बड़ा इन्वेंशन या डिस्कवरी हुई है बहुत ज़्यादा स्कैसिटी में हुई है, कोई इनकरेज करने वाला नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, फिर भी उन डिस्कवरीज को किया गया। तो जो ज़रूरतें होती हैं वही हमें आगे बढ़ाती हैं कि हम कुछ नया खोजें, कुछ नया करें। तो ऐसा कुछ अगर आप लिख रहे हो तो इस कोटेशन को कोट्स कर सकते हैं। फैक्ट में मैं दो सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में बात करने वाला हूं। पहला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिसकी खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। पेनिसिलिन की खोज के पहले लोग किसी भी वजह से मर जाया करते थे। पेट में दर्द हुआ, डेथ हो गई, कुछ बुखार हुआ, डेथ हो गई, बिकॉज हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ करता था। लेकिन पेनिसिलिन की खोज के बाद एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया हमारे मेडिकल सेक्टर में, मेडिकल सीन में, और 15 सालों के अंदर ये एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन के तौर पर सामने आ गया, और हर जगह जो पेनिसिलिन है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद बात करते हैं कोपरनिकन हॉलीसेंट्रिज्म की। देखिए, निकोलस कोपरनिकस ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, कोपरनिकन हेलीसेंट्रिज्म। 1543 में उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को रिवील किया था। इसके पहले ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, सन और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, तब 5 प्लैनेट्स की जानकारी हुआ करती थी, वो सभी इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाद में निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में ये रिवील किया कि सन नहीं बल्कि अर्थ और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपरनिकन हेलीसेंट्रिज्म। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले आर्टिकल की, स्टेलमेंट गतिरोध एट WTO ऑन US ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। US के विरोध के चलते WTO में कुछ बात बन नहीं पाई। GS पेपर 2 से टॉपिक को जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखिए, 11th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया 10 से 13 दिसंबर के बीच में 2017 में बोनस आयर्स में, यानी कि अर्जेंटीना में। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जब समाप्त हुआ तो जो रिजल्ट्स निकल के आए वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे। बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि WTO है क्या चीज, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 23 देशों के द्वारा जिनेवा में 1947 में, ताकि जो ट्रेड ग्लोबल लेवल पे भी चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो बहुत सारा सब कुछ सिस्टम खराब हो गया था, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए GATT का निर्माण किया गया। इसके बाद देखिए, GATT में कई सारी समस्याएं थी, उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट स्टार्ट किया गया 1986 में। 8 सालों तक ये उरुग्वे राउंड चला, और अल्टीमेटली ये समझ में आ गया कि अब हम GATT के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते और हमें एक नए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1994 में 14 अप्रैल को
उरुग्वे राउंड के दौरान डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 से जो डब्ल्यूटीओ था वो फंक्शन में आ गया। इस लिहाज से हम कह सकते हैं डब्ल्यूटीओ इज द सक्सेसर ऑफ गैट। डब्ल्यूटीओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। 1995 में ये फंक्शन में आया जिसने गैट को रिप्लेस किया। ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम करता है। डब्ल्यूटीओ का फंक्शन है कि वो गुड्स सर्विसेज या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कुछ भी ट्रेड वगैरह हो रहे हैं उनको रेगुलेट करे, और अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसके बारे में भी मैकेनिज्म तैयार करे। तो ये कुछ काम थे डब्ल्यूटीओ के। अब देखिए डब्ल्यूटीओ के इन्हीं कामों के चलते 1995 से ही जो इसका कॉन्फ्रेंस है डब्ल्यूटीओ का उसको आयोजित किया जाता है। अभी 11th बाइनियल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। हर दूसरे साल ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो ये बाइनियल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस था 11th जो कि ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। इंडिया ने इस जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ये माना कि कुछ पार्शल सक्सेस मिली है। जैसे इंडिया के जो ऑफेंसिव इंटरेस्ट थे वो तो अचीव नहीं हो पाए, जो हम चाहते थे कि हम अपने इंटरेस्ट में कुछ पा लें वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन जो डिफेंसिव इंटरेस्ट थे वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। डिफेंसिव इंटरेस्ट का मतलब है कि ऐसे कुछ प्रावधान किए जा सकते थे जो इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता, तो हमने उन प्रावधानों को रोका है और वो प्रावधान अभी भी हमारे फेवर में है। जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, चूंकि जो पीस क्लॉज था तो पीस क्लॉज के संबंध में परमानेंट सोल्यूशन ना निकलने की वजह से उसे कंटिन्यू कर दिया गया है। अभी पीस क्लॉज है क्या चीज, आइए बात करते हैं। देखिए पीस क्लॉज, डब्ल्यूटीओ में सब्सिडीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसमें ऐसे चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं फार्मर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो रिसर्च वगैरह करें, कैसे प्रेस को कंट्रोल किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, इन सब के लिए जो पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। दूसरा है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, जिसमें फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, MSP इन सब के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसमें सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर वगैरह को एनहेंस करने के लिए, लेकिन इस चीज के लिए नहीं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, ये इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। अल्टीमेटली ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर तो जो डब्ल्यूटीओ है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो स्क्रूटनी में रहती है। एम्बर बॉक्स पर कुछ प्रावधान किए गए हैं डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जैसे कि 1986-87 के दौरान जो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था डेवलप कंट्रीज उसका 5% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते और डेवलपिंग कंट्रीज उसका 10% ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। अब देखिए वैसे तो आपको लग रहा होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा छूट है, वो 10% सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलप कंट्रीज तब भी ज्यादा सब्सिडी दे सकते हैं बिकॉज जो डेवलप कंट्रीज हैं वो 1986-87 में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया करते थे अपने देश में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो तब बहुत कम करती थी। अब यहां पर देखिए जो अलाउ किया गया है सब्सिडी हमें देने के लिए एम्बर बॉक्स के अंदर, वो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए इनफ नहीं है, हमारे फार्मर्स को जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इनफ नहीं है। तो इंडिया ने इन रिस्ट्रिक्शंस को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा सब्सिडी दें। इस बात से काफी कॉन्फ्लिक्ट आ गया डब्ल्यूटीओ के बीच में, इंडिया के बीच में, और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके बीच में। 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई डब्ल्यूटीओ में बाली में। बाली में एक प्रावधान किया गया, दैट वाज पीस क्लॉज। पीस क्लॉज के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, 2012 में इसको आयोजित किया गया था। तो इसमें यह कहा गया कि 4 सालों तक अगर डेवलपिंग कंट्रीज 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, कोई भी डब्ल्यूटीओ में जाके उनके खिलाफ केस नहीं कर सकता कि ये 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। 4 साल के अंदर यानी कि 2017 तक, जो इस बार कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस तक हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे और पीस क्लॉज को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब इस पीस क्लॉज को वैसे तो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में था, लेकिन ये केवल 4 सालों के लिए था। इससे इंडिया को काफी कंसर्न थे। डेवलप कंट्रीज लाइक USA, ये लोग चाहते थे कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन करे। TFA, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन करे, जिसके तहत कोई भी देश अपने यहाँ ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, मैकेनिज्म को ईजी करता है, वन विंडो सिस्टम तैयार करता है। इंडिया ने बोला कि जब तक पीस क्लॉज के संबंध में कुछ सिग्निफिकेंट बातें सामने नहीं आती तब तक इंडिया TFA को साइन नहीं करेगा। USA ने काफी कन्विंस करने का प्रयास किया। अल्टीमेटली 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच में सहमति बनी कि जो TFA है अगर इंडिया उसको साइन कर देता है, इनफैक्ट अगर USA ने बोला कि हम जो पीस क्लॉज है उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए आगे एक्सटेंड कर देते हैं, जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक पीस क्लॉज को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब जो वो कह रहे थे कि 4 साल बाद हम पीस क्लॉज को एलिमिनेट कर देंगे, वो प्रावधान खत्म किया गया 2014 में, और इसी बात पे सहमत होकर 2016 में इंडिया ने TFA को साइन कर दिया। 2017 में इस पीस क्लॉज के संबंध में कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना था और इसे एलिमिनेट करना था, लेकिन कोई भी परमानेंट सोल्यूशन इस कॉन्फ्रेंस में निकल के नहीं आया। दैट्स वाई जो पीस क्लॉज है वो अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी पीस क्लॉज के बारे में। एक जो इंडिया के इंटरेस्ट की बात थी वो ये थी
कि जो फास्ट ट्रैक ई कॉमर्स स्टॉक्स होने वाली थी या फिर जो फिशिंग सब्सिडीज हैं उनको कम करने की बात चल रही थी, इस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। तो ये साफ हो गया है कि अब एक साल तक 2019 तक, एक साल तक नहीं मतलब अगली जो मीटिंग होगी, दो साल पे मीटिंग होती है ना, तो 2019 तक अब कोई भी बात इन मुद्दों पर नहीं होगी। तो ये इंडिया के फेवर में बात कही जा रही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। अब देखिए यूएसए का क्या स्टैंड है। यूएसए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि दोहा राउंड में 2001 में जो शुरू हुआ था दोहा डेवलपमेंट राउंड, उसमें जो कमिटमेंट डेवलप कंट्रीज के द्वारा की गई हैं, पहले डेवलप कंट्रीज उनको फुलफिल करें, जिसमें कहा गया था कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम किया जाएगा, जो छोटे ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके इंटरेस्ट में प्रावधान किए जाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि पहले जो आपने कमिटमेंट करी थी 2001 में दोहा राउंड में, आप उनको पूरा करिए। यूएसए कहता है कि जो प्रावधान किए गए हैं या फिर जो लूप होल्स हैं, जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं डब्ल्यूटीओ के कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में, उनका मिसयूज किया जाता है ऐसी कंट्रीज के द्वारा जिनकी जो जीडीपी है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, वो अपने आप को अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग बताते हैं और प्रावधानों का मिसयूज करते हैं, इंडिकेट किया जा रहा था इंडिया और चाइना को। इसके अलावा ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया यूएसए के द्वारा यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ मिलकर कि जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस हैं चाइना के द्वारा उनको कर्व किया जाए और उसको फेयर बनाया जाए। इंडिया और चाइना ने भी एक प्रपोजल सबमिट किया जिसमें यह कहा गया कि जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग फार्म सब्सिडीज दी जाती हैं वेस्टर्न नेशंस के द्वारा वो उसको रोकें, उसको कम करें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी स्टैंड है वो ये है कि वो मल्टीलेटरल फोरम्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते वो। यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे इवन उन्होंने कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया। मिस्टर ट्रंप भी काफी सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं डब्ल्यूटीओ को लेकर। जो रीअपॉइंटमेंट होने वाली थी जजेस की अपीलेट बॉडी में डब्ल्यूटीओ के, उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को भी रोक दिया, जबकि जो यूएसए है वो सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूटीओ का अपीलेट मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल करता है। तो ये कुछ बातें हैं यूएसए के बारे में। कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने बहुत सही आर्गुमेंट दिया है कि जीडीपी ग्रो होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मानते हैं कि जीडीपी ग्रो हो रही है, स्टिल हमारे यहाँ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको सब्सिडी दें, हम उनको असिस्ट करें ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इनहेंस हो सके। और डब्ल्यूटीओ जैसे जो नॉर्म्स हैं वो हमें इस चीज के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा सॉवरेन राइट है कि हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें और अपने लोगों की मदद करें, और इस लिहाज से हम डब्ल्यूटीओ के जो प्रावधान है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए ये क्लियर हो गया है कि ब्यूनस आयर्स में एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया यूएसए पर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि यूएसए जो है उसका स्टैंड काफी फ्लिप फ्लॉप वाला रहता है। वो अपने इंटरेस्ट के सामने और किसी का इंटरेस्ट नहीं देखते, जैसा कि हमने देखा कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं किया इस मीटिंग के दौरान। तो इस लिहाज से जरूरी है कि इंडिया अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले मल्टीलेटरल फोरम्स पे और अपनी बात को सामने रखे रिजिडली। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया। कुछ पर्पल पॉइंट्स हैं मेंस के लिए, देखते हैं। डब्ल्यूटीओ जो है वो एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 123 देशों ने साइन किया था 1994 में। ये 1995 से फंक्शन में आया और 1948 में बने हुए गैट को इसने रिप्लेस किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम एंसर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए ऐसी लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। पीस क्लॉज जिसके अंतर्गत कोई भी कंट्री इस बात के लिए केस नहीं कर सकती डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज ने 10% से ज्यादा सब्सिडी दी है, यह है पीस क्लॉज। इसको बाली डिक्लेरेशन के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो मल्टीलेटरल फोरम्स की तरफ सही नहीं है, इस लाइन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने जब से ऑफिस एज्यूम किया है उन्होंने इवन जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी थी उसमें जजेस की रीअपॉइंटमेंट को भी ब्लॉक किया। चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि इंडिया को चाहिए कि वो मल्टीप्रॉन्ज अप्रोच अपनाए हंगर को खत्म करने के लिए, और जो इंडिया के सॉवरन राइट है कि वो सब्सिडी दे फूड सिक्योरिटी के लिए, उस संबंध में इंडिया को डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अंतर्गत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो ये पांच पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप इंडिपेंडेंटली एंसर्स में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, अ क्लोजर लुक एट लाइंस। पेपर टू से टॉपिक को जोड़िए, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। देखिए इसमें हम बैकग्राउंड के साथ बात करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं, उसके बाद हम आर्टिकल पर आ जाएंगे। चाइना का सिविल वॉर खत्म होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो पावर में आती है, जिसको लीड कर रहे होते हैं माओजेदोंग, और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चियान काई शेक के लीडरशिप में, वो भाग कर ताइवान आइलैंड पर चली जाती है, जहां पर ताइवान में आज भी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चल रही है जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है। ये तो शुरुआत होती है इंडिया और चाइना के रिलेशंस की। ये डिस्प्यूटेड मैप है इंडिया और चाइना के बीच में। पहला जो डिस्प्यूट है वो यहां पर है वेस्टर्न सेक्टर में, दैट इज अक्साई चिन का एरिया, यहां पर है अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर जो मिडिल सेक्टर था इस डिस्प्यूट को तो काफी हद तक सॉर्ट आउट कर लिया गया है, अब यहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया है। अब आइए इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप इंडिया और चाइना के बीच में 1950s में शुरू होता है।
हमने तिब्बत को चाइना का हिस्सा एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर लोग कहते हैं कि इंडिया की कुछ गलती है, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानने के संबंध में निगोशिएट किया जा सकता था, लेकिन तब तक चाइना ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है। 1954 में जब इंडिया ने अपना नया मैप शो किया जिसमें इंडिया ने अक्साई चिन्ह को भारत में दिखाया, चाइना ने इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। 1954 में पीआरसी के साथ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसे पंचशील भी कहा जाता है। जो नेहरू जी थे उनका मानना था कि हमें एक साइकोलॉजिकल बफर जोन की आवश्यकता है, ना कि फिजियोलॉजिकल बफर जोन लाइक तिब्बत। इस वजह से हमने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया। अब देखिए 1959 में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो निकलकर सामने आने लगे, टेरिटोरियल कॉन्ट्रोवर्सी आगे बढ़ी, जबकि 1959 तक कोई भी टेरिटोरियल कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी। मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 के शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में जिसको साइन किया गया था, डिसाइड की गई थी इंडिया और चाइना की बाउंड्री जो बाद में बन गई, लेकिन चाइना ने बाद में इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट थी, ये जो लाइन साइन की गई थी वो तिब्बत के साथ साइन की गई थी, और आपके यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इस लिहाज से इंडिया और चाइना के बीच में ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं हो सकती। 1959 में पीआरसी गवर्नमेंट की तरह ये कहा गया कि वो मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और चाइना ने जब इस बात को कहा उसी के साथ 104,000 किलोमीटर स्क्वायर की जो टेरिटरी थी वो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड हो गई, जो कि अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और मिडिल सेक्टर का एरिया था। इस बात से काफी डिस्प्यूट हो गया। ये देखिए, ये वेस्टर्न सेक्टर है, अक्साई चीन का एरिया जो कि डिस्प्यूटेड हुआ, ये मिडिल सेक्टर है, हालांकि अभी इस पर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो चुका है, और यहां पर देखिए यहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है जिसे आज भी जो चाइना है वो क्लेम करता है। 1959 में जब तिब्बत में रिसर्जन शुरू हुआ तो दलाई लामा भागकर इंडिया आ गए, इंडिया ने उनको असाइलम दिया एक रिलीजियस गुरु के रूप में, लेकिन चाइना इस बात से काफी चिढ़ गया। 1962 में वॉर होता है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में, काफी इंडिया को यहां पर हार का सामना करना पड़ता है, धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो इंप्रूव होना शुरू होती है। 1979 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब चाइना के विजिट पर जाते हैं तो डेंग जियाओपिंग, जो उस समय वहां के प्रेसिडेंट थे, वो एक फॉरवर्ड पैकेज प्लान रखते हैं इंडिया के सामने कि अगर इंडिया अक्साई चीन को चाइना को दे दे तो इस संबंध में जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया का क्लेम एक्सेप्ट कर लेगा। उन्होंने कहा अक्साई चीन आप हमारा मान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश हम आपका मान लेंगे। ये जो पैकेज डील थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। वैसे देखिए 1962 से ही इस वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया था चाइना ने, वो हमारे कब्जे में था नहीं। एक अच्छा नजरिया होता अगर हम उस समय इस चीज को निगोशिएट कर लेते। आज हम इस मुद्दे को निगोशिएट करने को तैयार हैं, लेकिन आज चाइना इस बात को निगोशिएट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अक्साई चीन के हिस्से पर 1962 से उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब देखिए इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि जब तक चाइना अक्साई चीन के हिस्से से अपने ट्रूप्स को वापस नहीं लेता तब तक बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि 1981 से 87 के दौरान इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, कई राउंड्स में टॉक्स हुई वाइस मिनिस्ट्रियल लेवल पे कि जो एक रियल प्रोग्रेस है उसको अचीव किया जाए बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। 1986-87 के बीच में फिर से सिचुएशंस खराब हो गई, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ जैसे अभी डोकलाम में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह सुंडोरोंग चू वैली में। फॉर्चुनेटली कोई वॉर कन्वर्ट नहीं हुआ, ये जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था काफी लंबे समय तक ये भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ चला। इसके बाद देखिए 1988 में जब राजीव गांधी जी विजिट पर गए चाइना की तो वहां पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया जिसके 10 राउंड के टॉक्स हुए इनिशियल फेज में ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, पॉइंट टू बी नोटेड, 1988 में जब राजीव गांधी जी ने विजिट किया था चाइना की तब इसका निर्माण किया गया था। ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने का प्रयास किया गया। बायलेटरल रिलेशन जो है वो 1990s के दौरान इंप्रूव होना शुरू हुए। 1993 में दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, पीस मेंटेन करेंगे। 1996 में फिर से इस एग्रीमेंट को स्ट्रेंथन किया गया। हालांकि देखिए जो बायलेटरल रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे ये 1998 में काफी खराब हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारा विरोध किया तो हमने लॉजिक दिया कि चाइना जो कि हमारा एनिमी है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस लिहाज से हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए। इस लॉजिक से चाइना काफी नाराज हुआ कि हमें एनिमी बोला जा रहा है और रिलेशंस फिर से खराब हो गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब चाइना के विजिट पर 2003 में जाते हैं तो वहां पर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि नाथुला दर्रा जो था उसको ट्रेड के लिए खोल दिया गया और साथ ही यहां पर एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव
मीटिंग की बात की गई। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया कि दोनों देशों से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे और बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा, बाउंड्री जो बाउंड्री इशू है इस पर बात की जाएगी। अब देखिए लास्ट वीक जो 20th राउंड हुआ है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स का इंडिया और चाइना के बीच में, जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया है, ये वही मैकेनिज्म है जिसको 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चाइना गए थे तो उस समय इस मैकेनिज्म को तैयार किया गया था स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग पर, और उसी मैकेनिज्म पर आज आर्टिकल आया हुआ है यहां हिंदू में। इसके बाद देखिए 2012 में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC को भी स्टैब्लिश किया गया। इसके तहत मैकेनिज्म और कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेट करते हैं दोनों देश ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि जो डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था उसी समय जो अजीत डोवाल थे वो चाइना जाने वाले थे बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करने के लिए। वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात करने के लिए अजीत डोवाल जाने वाले थे वो यही बात थी, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसी के अंतर्गत वो चाइना गए थे बातचीत करने के लिए। तो उसकी मीटिंग अभी डोकलाम क्राइसिस के जस्ट बाद हुई है, और अभी जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग के ऊपर हुआ है जो कि 2003 से शुरू हुआ है जब वाजपेयी जी ने विजिट किया था चाइना का, तब से। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। अब आर्टिकल में देखते हैं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनका जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा नहीं है अभी मुद्दों पर। डोकलाम के इशू पर उन्होंने बोला कि इंडिया ने अच्छा किया कि उन्होंने ट्रूप्स को भी वापस ले लिया। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर स्ट्रेस इस बात पर देते हैं कि इंडिया को इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो बोलते हैं कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया को चाहिए कि वो कैट्स चॉइस बनाए ताकि दोनों देशों के रिलेशन इंप्रूव हो सके। अब यहां पर देखिए ये जो बातें की जा रही है वहां के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, इससे साफ हो रहा है कि जो अभी तक डेवलपमेंट्स किए जाने का प्रयास किया जा रहा है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। अभी हमें आवश्यकता तो ये है कि हम जेन्युइन कल्टीवेशन करें और म्यूचुअल ट्रस्ट को क्रिएट करें ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हमारे सामने आ सकें। ये बात इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि देखिए अभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हुई है चाइना बॉर्डर अफेयर्स पे, उसमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे थे, काफी अच्छी बातें की गई। ये कहा गया कि हम कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स उठाएंगे। जब अजीत डोवाल जी डोकलाम क्राइसिस के बाद गए थे तो ये मीटिंग हुई थी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उस समय तो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन अभी जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्लैरिटी ऑन बॉर्डर, देखिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जिसको 1988 में बनाया गया था, मैंने आपको बैकग्राउंड में ही बताया है, उसने काफी कुछ क्लैरिफाई किया था। जैसे कि जो मिडिल सेक्टर का डिस्प्यूट था उस डिस्प्यूट को 1988 में ये जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था उसके प्रयासों से काफी सॉर्ट आउट कर लिया गया। इसके अंतर्गत दोनों देश आपस में मैप्स को शेयर करते हैं कि देखिए यहां पर हम अपनी बाउंड्री मानते हैं, यहां पर अगर आप अपनी बाउंड्री मानते हैं तो हम इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मिडिल सेक्टर में इसके प्रयास के चलते जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। हालांकि देखिए इंडिया और चाइना के बीच में बहुत वेगनेस है, क्लियर है ही नहीं कि कौन अपनी बाउंड्री कहां मानता है और डिस्प्यूट एक्चुअली में कहां कितना है। वो कहते हैं कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है, ठीक है, हम कहते हैं पूरा अक्साई चिन्ह हमारा है जिस पर आपने 1962 में कब्जा किया है, जो कि एक्चुअल बात है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो बॉर्डर्स हैं वो चार तरीके के हो गए हैं। चार तरीके के बॉर्डर क्यों हो गए हैं? क्यों? पहला बॉर्डर वो जो हम परसीव करते हैं कि ये हमारा बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरा बॉर्डर वो जो चाइना परसीव करता है कि इंडिया और चाइना के बीच में ये उसका बॉर्डर है। तीसरा बॉर्डर वो जो हम ऐसा मानते हैं कि चाइना ऐसा मानता होगा कि यहां से है। और चौथा बॉर्डर वो जो चाइना मानता है कि इंडिया सोचता होगा कि यहां से है। कंफ्यूज हो रहा है ना कि कौन सा बॉर्डर कैसे है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चार तरीके के बॉर्डर बन गए हैं इस समय, तो कुछ क्लियरनेस अभी है नहीं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हुई है। 1980s में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का जो प्रयास किया गया था, अगर हमने उस समय पॉजिटिव स्टैंड लिया होता तो हो सकता है जो LAC प्लस का सोल्यूशन निकाला गया था डिंग जियाओपिंग के द्वारा कि आप अक्साई चिन्ह हमें दे दीजिए अरुणाचल प्रदेश में हम डिस्प्यूट खत्म कर लेंगे, अच्छा तो यही होता कि हम उस समय एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थोड़ा बहुत। लेकिन हम अभी सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं और आज जो सिचुएशन है वो काफी खराब हो चुकी है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कई सारे मुद्दों को जन्म दे देता है और कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। जैसे NSG में जो इंडिया की मेंबरशिप है चाइना उसका विरोध करता है, अगर चाइना भूटान पे भी दबाव बनाता है कि वो जबरदस्ती उनके साथ जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करें। हमारे बैकयार्ड में जो कंट्रीज हैं लाइक श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स, उनके साथ तो अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं ताकि इंडिया पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा देखिए एक बात की गई थी कि मिलिट्री हॉटलाइन स्टैब्लिश की जाएगी इंडिया और चाइना के मिलिट्री के बीच में, लेकिन अभी तक सालों बीत गए हैं, इस हॉटलाइन को स्टैब्लिश नहीं किया गया है। आज बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म तैयार किया जाए बॉर्डर एरियाज में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और टेंशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, बिकॉज
कि दोनों देशों ने जो अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत इनहेंस कर लिया है, ताकि अगर स्ट्रेस आए तो अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सके वहां आसानी से। तो अगर स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, इस लिहाज से जरूरी है कि प्रॉपर मैकेनिज्म हो। एक मिलिट्री कंडक्ट की अभी आवश्यकता है, कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता है मिलिट्री के लिए। वैसे तो कभी मिलिट्री ने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर एग्रेशन नहीं दिखाया है नॉर्मली, बट स्टिल हमें आवश्यकता है कि प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार हो कि कौन से सिचुएशन में मिलिट्री कौन सा स्टेप उठाएगी। ठीक है, तो ये बातें बहुत जरूरी हो गई हैं आज हमारे लिए। कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि नई दिल्ली को चाहिए कि वो अपनी जो प्रेजेंस है ऐसे एरियाज में उनको स्ट्रांग करे जहां पर इंडिया ऐसा मानता है कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, वहां पर इंडिया को अपनी फोर्सेस को और स्ट्रांग करना चाहिए, इक्विप्ड करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट में अपने आप को बचा के नहीं रखेंगे, अपने आप को स्ट्रेस में जाने से नहीं बचाएंगे, तो हम और मुद्दों पर चाइना को कंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम दबाव में रहेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट के मुद्दे पर हम एडवांस रहेंगे तो हम और कई सारे ग्लोबल इश्यूज पर निगोशिएट कर सकते हैं और भाई कई सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं चाइना से। तो ये कंक्लूजन में लिखा जा सकता है। पर्पल पॉइंट्स और मेंस के लिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन लाइन, जिसको 1914 के शिमला कन्वेंशन के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में डिसाइड किया गया था, इसको चाइना ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। अच्छा पॉइंट है। 1989 में जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हुई थी चाइना में, इनफैक्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी की विजिट हुई थी ये, जिसके बारे में इंडिकेट कर रहा हूं, तो डेंग जियाओपिंग ने एक प्लान बताया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अक्साई चीन का हिस्सा हमारा मान लें तो हम अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम छोड़ देंगे। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया था 1988 में, जब राजीव गांधी जी विजिट पर गए थे चाइना की। 1993 में दोनों कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया कि वो एलएसी पर शांति बना के रखेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने जब विजिट किया 2003 में चाइना की, तो वहां पर नाथुला दर्रे को ट्रेड के लिए खोला गया और साथ ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग का प्रावधान किया गया ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जा सके। आर्टिकल इन्हीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग पर यहां पर पब्लिश किया गया है। WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2012 में, डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद अभी इसी मैकेनिज्म के तहत मीटिंग की गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ऐसे कई सारे प्रयास किए गए हैं ताकि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। क्वेश्चन आपके लिए है, इन योर ओपिनियन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड चाइना टू सॉल्व देयर बाउंड्री डिस्प्यूट एज सून एज पॉसिबल। डू यू थिंक प्रेजेंट मैकेनिज्म टू सॉल्व द डिस्प्यूट कैन वर्क, डिस्कस करिए 250 शब्दों में। आप आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है फीड द क्योर, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये जो हेल्थ वाला सेक्शन है यहां से ये जुड़ेगा। देखिए, जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो 35 लाख ऐसे पेशेंट्स हैं इंडिया में जो कि अभी टीबी से ग्रसित हैं, उनको 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से देगा ताकि जो उनकी कई सारी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। अब देखिए, टीबी जो पेशेंट्स हैं उनको पैसे देने का जो ये प्रावधान है ये काफी सही है, लेकिन हमें और कई सारे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जोड़ते हैं टीबी को माल न्यूट्रिशन से। देखिए, जो लो बॉडी मास इंडेक्स है वो ये दिखाता है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो कई बार समस्याओं को और बढ़ा देती है, जो विशियस साइकिल है। देखिए, टीबी जो है वो माल न्यूट्रिशन को इंक्रीज करता है क्योंकि जो पेशेंट है उसको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा कई बार ऐसे केसेस आते हैं, ये कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से भी टीबी होती है। मतलब दोनों केसेस हैं, टीबी माल न्यूट्रिशन को बढ़ाती है और माल न्यूट्रिशन की वजह से टीबी होता है। तो टीबी से डाइट किस तरीके से लिंक है इसके बारे में कई सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन अभी भी हम प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाए हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। रिसर्च की कमी है कि कौन सी डाइट दी जानी चाहिए, किससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। स्मॉल स्केल स्टडीज हैं जो बताती हैं कि कुछ काम किए जा सकते हैं, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए जा सकते हैं, विटामिन ए और जिंक, ताकि जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। स्टिल देखिए, डाटा की कमी है, केवल इस लिहाज से हम इस समस्या से पीछे नहीं हट सकते, हमें डेटा कलेक्ट करना होगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा। टीबी डिवीजन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, यहां पर देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, DI होगा। अब देखिए, दो गाइडलाइंस दी गई हैं। पहला तो ये कि हम एक काम और कर सकते हैं, जो PDS सिस्टम है उसमें टीबी पेशेंट के लिए जो राशन है उसको हम डबल कर सकते हैं। दूसरा काम ये किया जा सकता है कि हम कुछ अदर सप्लीमेंट्स उनको दे सकते हैं, लाइक ऑयल सीड्स, ड्राइड मिल्क पाउडर, और ये कहा जा सकता है कि आप उसको फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ शेयर ना करें बल्कि उसका इस्तेमाल खुद ही करें। अब इस लिहाज से देखिए, 500 रुपए देना बहुत कम है, इससे वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। कंक्लूजन में कहा गया है कि 2000 से ज्यादा सब्जेक्ट स्टडीज अभी हाल में की गई हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, जिसके जरिए जो नॉलेज गैप है हम उसको फिल कर सकते हैं और इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं।
पर्पल पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है उन्होंने कहा है कि 500 रुपए दिए जाएंगे, 35 लाख जो डायग्नोसिस किया गया है टीबी पेशेंट्स को उनको, ताकि उनकी समस्याएं रोकी जा सकें। विशेष साइकिल है, टीबी माल न्यूट्रिशन को कॉज करता है और माल न्यूट्रिशन टीबी को कॉज करता है, तो आप ये पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है टीबी से रिलेटेड, एग्जामिन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट इन गेटिंग ट्रीटमेंट इन इंडिया, ऑल्सो एग्जामिन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू प्रोवाइड इफेक्टिव टीबी ट्रीटमेंट। दोनों बातों को आपको बताना है, 250 शब्दों में जवाब दीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज जो मैंने आपको दिया है वो ये है, डिस्कस द तांडव डांस एज रिकॉर्डेड इन अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन। आप इसको 100 वर्ष में बताइए, 150 शब्द गलती से लिख गया है, यूपीएससी ने भी इसको 100 शब्दों में ही पूछा था। जब ऐसे 100 शब्दों का कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो आपके पास बहुत स्ट्रक्चरिंग का समय नहीं होता, आप अच्छा तो यही होता है कि 2-3 अच्छे पैराग्राफ्स में जो रियल कंटेंट ऑफ मैटर है वो उस टॉपिक में प्रोवाइड कर दें। जैसे कि जो तांडव डांस है, भरत मुनि ने अपनी किताब नाट्यशास्त्र में 2 क्लासिफिकेशन किया है डांसेस का, तांडव और लास्य। लास्य जो है वो एक टेंडर डांस फॉर्म है, जबकि जो तांडव है वो रिग्रेस डांस फॉर्म है, हार्श डांस फॉर्म है। हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है कि तांडव डांस जो है उसका ओरिजिन शिवा से जोड़ा जाता है। शिवा जो है वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं विग्रस फॉर्म में। ये डांस फॉर्म इंडिकेट करता है एक साइकिल को, दैट इज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड रिजोल्यूशन, मतलब सृष्टि का निर्माण, उसका संचालन और उसका अंत। तो ये जो साइकिल है यही जो तांडव डांस है ये शो करता है। अब देखिए कुछ स्टोरीज भी हैं, ये माना जाता है कि जो शैव सिद्धांत ट्रेडिशन है वो शिव के तांडव डांस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है। इसके अलावा नटराज की जो मूर्ति आप देखते हैं वो भी तांडव डांस को ही इंडिकेट करता है, जिसके अंदर शिव को लॉर्ड ऑफ डांस कंसीडर किया जाता है, सुप्रीम लॉर्ड माना जाता है डांस के लिए। अब ये जो तांडव डांस फॉर्म है ये कहां से ओरिजिन इसका दिया जाता है, इसका ओरिजिन दिया जाता है तांडू से। तांडू जो कि शिवा के अटेंडेंट हैं, ये माना जाता है कि शिवा ने उनको ऑर्डर दिया था कि वो जाके भरत मुनि को इंडिकेट करें, इंस्ट्रक्ट करें तांडव डांस के बारे में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं तांडव डांस का जो अर्ली इंस्क्रिप्शन है वो तांडू के द्वारा ही लिखा गया था, जिसको बाद में भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में इंक्लूड कर लिया था। तो कुछ बातें हैं तांडव डांस के बारे में, आप एक अच्छा सा नोट लिख सकते हैं 100 शब्दों में, और भी कंटेंट कहीं से कलेक्ट करिए। जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। अब आप इसका जवाब लिखने का प्रयास करिए। हम हर दिन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं जिसका जवाब आप करते रहेंगे, धीरे-धीरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी तैयारी का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर अगर आपकी कमांड नहीं है तो जो रियल सेंस है यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का आप वो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज की केस स्टडी देखते हैं। 2013 की जो केस स्टडी पूछी गई थी उसमें 10वां क्वेश्चन था ये केस स्टडी। आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं कंस्ट्रक्शन सेल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, जो कि अभी एक फ्लाईओवर का काम कर रहा है। आपके अंडर में 2 जूनियर इंजीनियर हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं, और फाइनली आप चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करते हैं। जूनियर इंजीनियर्स आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक बार जब सरप्राइज इंस्पेक्शन आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, और बाद में ये जो फ्लाईओवर है ये गिर सकता है, लोगों की जान जा सकती है, और अगर आप इसके रेटिफिकेशन का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो फ्लाईओवर है उसका डिमोलिशन करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, दूसरा जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है इस फ्लाईओवर को बनने का वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पब्लिक प्रेशर है काफी ज्यादा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है उस एरिया में, तो वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस फ्लाईओवर के काम को कंप्लीट कर लिया जाए। आप चीफ इंजीनियर को इस बात की जानकारी देते हैं तो जो चीफ इंजीनियर हैं वो आपको एडवाइस देते हैं कि देखिए जो लैकुना है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और इसको इग्नोर किया जा सकता है। वो आपसे ये कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ दीजिए और जल्दी से जल्दी जो फ्लाईओवर का काम है उसको कंप्लीट कर लीजिए, हालांकि आपको पता है कि जो लैकुना है ये काफी बड़ा है और इससे आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। कुछ ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं जिनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को आपको इंस्पेक्ट करना है, और अल्टीमेटली आपको अपना जवाब देना है कि आप क्या करोगे। पहला मुद्दा ये है कि पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करें, जो चीफ मिनिस्टर ने आपको एडवाइस दी है आप उसको फॉलो करें और आगे जाके जो फ्लाईओवर बनना है उसको बना दें, छोड़ दें, जो लैकुना है उसको इग्नोर कर दें। दूसरा ये है कि आप एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट तैयार करें जिसमें आप पूरी सिचुएशन को एलोबरेट करें, साथ ही अपना व्यू पॉइंट रखें कि हाँ इस पे दिक्कत हो सकती है जो लैकुना अभी है, और इसके बारे में आप चीफ इंजीनियर का साइन भी ले लें। तीसरा मुद्दा यह है कि आप जूनियर इंजीनियर से एक्सप्लेनेशन मांगें और कॉन्ट्रैक्टर को यह ऑर्डर दें कि वो जल्दी से जल्दी जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करें। चौथा ऑप्शन ये है कि आप इशू को हाईलाइट करें ताकि जो चीफ इंजीनियर के ऊपर के ऑफिसर्स हैं उन तक ये बात पहुंच जाए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। पांचवा मुद्दा ये है, पांचवा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रिजिड एटीट्यूड अपना के रखें चीफ इंजीनियर के बारे में। आप उनसे बोलें कि देखिए अगर आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं बीमार हूं और आप छुट्टी ले लें।
तो कुछ पांच ऑप्शंस आपके पास है जिनका मेरिट और डिमेरिट आपको बताना है। यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मेरिट ये है कि प्रोजेक्ट को, पहला पॉइंट, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उनकी एडवाइस को मान लेते हैं जो आपके चीफ इंजीनियर हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और जो हायरार्की है उनकी रेस्पेक्ट भी रह जाएगी। डिमेरिट क्या है कि बाद में जो फ्लाईओवर है वो कोलैप्स कर सकता है, इससे जो क्रेडिबिलिटी है लोगों की वो ख़राब होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की, और साथ ही जिन लोगों की मौत होगी या नुकसान होगा, पब्लिक सेफ्टी भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा पॉइंट जिसमें यह कहा गया है कि आप एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट तैयार करें जिसमें आप सारी चीज़ों का ब्यौरा लें और चीफ इंजीनियर से बोलें कि आप उस पर साइन करिए। तो देखिए, इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने प्रॉपर डिटेल्स बना रखी हैं, आपने लैकुनास को बता रखा है, तो बाद में अगर कुछ होता है तो ये साफ हो जाएगा कि आप सारी चीज़ों की जानकारी में थे और आप चाहते कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो और आपका कंसर्न था पब्लिक सेफ्टी को लेकर। डिमेरिट क्या है, देखिए, सब रिपोर्ट वगैरह तैयार करने में बिना मतलब का जो टाइम है वो कंज्यूम होगा और जो रियल प्रॉब्लम है वो तो रह ही जाएगी क्योंकि वो तो सॉर्ट आउट होगी नहीं। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास है कि आप जूनियर इंजीनियर्स को बोलें कि वो रिपोर्ट करें आपको, ठीक है, और उसके बाद आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगें और आप ऑर्डर करें जो कॉन्ट्रैक्टर है कि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो लगातार इंस्पेक्ट करते रहे हैं उस पूरी साइट को, तो उनको पता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाना बिल्कुल सही है। दूसरा, आप इस लिहाज से अगर एडवाइस करते हैं, ऑर्डर करते हैं उस कंस्ट्रक्शन जो जिसने टेंडर ले रखा है उस फ्लाईओवर को बनाने का, तो ये समस्या बहुत आसानी से सॉर्ट आउट की जा सकती है। ये तो मेरिट है। डिमेरिट ये है कि फर्दर इसमें फिर से डिले होगा इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन आपके पास है कि आप इस मुद्दे को हाईलाइट करें ताकि चीफ इंजीनियर के ऊपर के जो ऑफिसर हैं उनको इसकी जानकारी मिल जाए, तो इसका फायदा ये होगा कि जो सुपीरियर्स हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा कि आप ऑनेस्ट हैं और आप अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं, साथ ही आप पब्लिक सेफ्टी पर भी काफ़ी कंसर्निंग हैं। फर्दर जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा। लेकिन डिमेरिट क्या है इस पॉइंट का, डिमेरिट इस पॉइंट का ये है कि इससे जो ये हायरार्की है वो और बढ़ जाएगी। अभी जूनियर इंजीनियर आप, फिर चीफ इंजीनियर आप, हायरार्की को और बढ़ा दे रहे हो और इस बात से ये भी प्रूव हो जाएगा कि आप अपना काम इफिशियंसी के साथ करने में कैपेबल नहीं हो। पांचवा पॉइंट जिसमें आपने ये बोला था, जो पॉइंट आपको दिया गया था कि आप जो है वो छुट्टी ले लें या फिर चीफ इंजीनियर से बोल दें कि वो आपका ट्रांसफ़र कर दें, इस कंडीशन में देखिए एक बात आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट होता है तो आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। लेकिन डिमेरिट ये है कि इससे साफ पता चलता है कि आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। फर्दर ये आपके काम के साथ, अपनी जॉब के साथ भी डिसऑनेस्टी है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो हिडन तौर पर रह जाएगी और फर्दर उसका नुकसान हो सकता है। तो ये पांचों पॉइंट्स के मेरिट और डिमेरिट थे जो यूपीएससी ने पूछा था। मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल है। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, उसका असिस्टेंस लूंगा कि भाई देखो यार ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इस लिहाज से वो जो रिकमेंडेशन देगा, मैं स्ट्रिक्टली ऑर्डर करूंगा जूनियर इंजीनियर्स को और कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई देखो ये टेक्निकल एक्सपर्ट ने जो बातें बताई हैं, जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रिक्टली उस चीज़ को रेक्टिफाई करो और टाइम फ्रेम के अंदर जो फ्लाईओवर बनने का काम है उसको कंप्लीट करो। तो ये जवाब दिया जा सकता है कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पर। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। अब आगे इंटरव्यू पर बात करते हैं। बैलेंस ऑफ परसेप्शन एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थिंकिंग, ये बहुत ज़रूरी है आपकी इंटरव्यू के लिए। आपका जो परसेप्शन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और आपकी थिंकिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आपका जो परसेप्शन है किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी गवर्नमेंट को लेकर, लोगों को लेकर, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। परसेप्शन बैलेंस्ड हो, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट्स की आइडियोलॉजीज बदलती रहती हैं, काम करने का तरीका बदलता रहता है, और अगर आपके पास बैलेंस परसेप्शन नहीं है तो फिर आपको अपना काम करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर आपका परसेप्शन बैलेंस्ड है, आपकी थिंकिंग में ऑब्जेक्टिविटी है, आप फैक्चुअल बेसिस पर और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चीज़ों को सोचते हैं, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैसी है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है। आप अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और जो यूपीएससी है वो इस बात को जज करती है कि कहीं आपका परसेप्शन इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं जब सरकारें बदलेंगी तो आप इम्बैलेंस कंडीशन में तो नहीं आ जाएंगे, सिचुएशन जब हार्श आएंगी तो कहीं आप अपने कदम पीछे तो नहीं ले लेंगे, इस बात को जज करती है यूपीएससी। दैट्स व्हाई आप इस चीज़ को इनकलकेट करने का प्रयास करें अपने अंदर। क्वेश्चन ये है कि क्या आप कंपलसरी वोटिंग को फेवर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपका ओपिनियन इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि कई सारे मुद्दों पर आपका अपना खुद का ओपिनियन हो, तो देखते हैं कौन कैसा ओपिनियन रख सकते हैं। यहां पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त हो रहा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन, थैंक्स अ लॉट।